हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति विश्वकर्मा एंड यू वाचिंग टेक क्वीन। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि IMG टैग क्या होता है और हम अपने वेब ब्राउज़र पर इमेज कैसे लगाते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टेबल टैग क्या होता है। ओके, आज हम बात करेंगे कि टेबल टैग क्या होता है और यहाँ पर मैं आपको टेबल का प्रैक्टिकल भी करवाऊँगी, टेबल बनाकर भी दिखाऊँगी। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। नाउ वी मैं यहाँ पर टेबल टैग आपको बता देती हूँ कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल को हम बेसिकली टेबल टैग के अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर टेबल बनाते हैं और देन यहाँ पर हम TR का यूज़ करते हैं, यानी कि टेबल रो, TR ओपन, TR क्लोज, और यहाँ पर हम करते हैं TD का यूज़। ठीक है, टेबल डेटा, टेबल का डेटा लिखने के लिए हम यहाँ पर TD का यूज़ करते हैं। ओके, ये टेबल के अंदर टेबल रो लिखते हैं और TD के अंदर टेबल का डेटा लिखते हैं। TR के अंदर ही हम सारे TD लेते हैं। ओके, तो अभी आप इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ नोटपैड ओपन कर लिया है एंड देन हम HTML का डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बॉडी में हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं TR ओपन एंड TR क्लोज, देन इसके अंदर हम TD लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं पहले TD में लिखती हूँ नेम, इसको सेव करते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पर हम दूसरा TD लेते हैं, एक और TD लेते हैं। ओके, अभी इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर इसने ऐसे दे दिया है, डेटा दे दिया है। ओके, तो हम इसका बॉर्डर दे देते हैं टेबल में तो ये सही से दिखेगी आपको टेबल। ओके, टेबल में हम देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 2 pixel। अभी देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर आपकी ऐसे टेबल बन के आएगी। अगर आप एक और टेबल डेटा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और TD लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया। यहाँ पर ये मार्क्स का एक और कॉलम जुड़ गया है। ओके, एंड देन अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एक और TR बन जाए, ये रो था, TR टेबल रो बना था। अब अभी हमने TR में डेटा लिया था, अब हम एक और टेबल रो बनाते हैं। लाइक हम एक और TR यूज करते हैं एंड देन इसके अंदर हम और एक और TD लेते हैं। ओके, TD इसको क्या करते हैं, इसमें हमने 4 TD लिए। मैं इसमें देती हूँ, सॉरी, इसमें मैं लाइक एज नाम देती हूँ क्लास 3rd एंड रोल नंबर है 3 8 कर देती हूँ और मैक्स मार्क्स में कर देती हूँ लाइक एस
68, ओके। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ये देखिए, आप ऐसे कितने भी TR और TD जोड़ सकते हैं, कितनी भी बड़ी टेबल्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको एक और TR कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ भी कैसी भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और टेबल में अगर आपको कलर स्टाइल्स स्टाइल वगैरह देनी है तो आप यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करके, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पर TD की CSS देना चाहते हैं तो TD, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक एस। मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पर मैं कलर कर देती हूँ ब्लू 30 पिक्सल, ओके। एंड इसको क्लोज करते हैं। आप ऐसे इसकी CSS चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो में पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं, ओके। जैसे मैंने अगर आप इस वाले टी आर में कलर देना चाहते हैं तो आप इस TR की ID यहाँ पर लिख सकते हैं, ID इक्वल्स टू मैंने दिया N1, ओके। आप कोई भी ID दे सकते हैं, तो यहाँ पर ID हम इसको कॉल करते हैं, N1 लिखा, ID को किससे हैज़ लगा कर कॉल करते हैं, N1 लिखा, एंड देन इसके लिए हम CSS लिखेंगे। तो इसका मैं बैकग्राउंड कर देती हूँ, बैकग्राउंड मैंने कर दिया लाइक एज येलो, ओके। तो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, जो TR है उसका बैकग्राउंड येलो हो गया। तो ऐसे आप कोई भी टेबल की, और आप नीचे जो नीचे TR हैं उनकी भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि बाकी सारे TR के लिए आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ TR लिखें और उसका बैकग्राउंड ऐसे दे सकते हैं लाइक एस। मैंने यहाँ पर दिया, मैंने यहाँ पर ग्रे कलर दे दिया है, अभी इसको देखते हैं। तो आप ऐसे कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको बिगनर्स के लिए कोर्स बता रही हूँ। आपको अगर बिल्कुल से HTML नहीं आता है और आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा डीपली मतलब समझ में आए स्टार्टिंग से, तो उसके लिए आप ये वीडियोस देखिए। एंड मैं जो हाईली कोर्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बिगनर्स वाले कोर्स होते हैं, आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम काफ़ी सारी इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, और हम इसको छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं रखते हैं, सीधा हाई लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं, तो उससे हमें ही नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए चलते हैं।